गाइस, अभी जो आपने टाइम लैप्स देखा वो मैंने भैया आधा या पौन घंटा एक ही जगह पे बैठ के टाइम लैप्स लिया हुआ है। एंड भाई आपको मैं बता नहीं सकता मैं कैसे बैठा हुआ था। तकरीबन पौन घंटा एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे मैं कैमरा पकड़ के बैठा हुआ था, बिकॉज मैं आज ट्राईपॉड नहीं लाया था। तो गाइस, मैंने आपके लिए ही बस ये टाइम लैप्स निकाला है। तो अगर प्लीज़ आपको अगर मेरा ये टाइम लैप्स पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, पर मेरे जो ये वीडियो है कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पर्टिकुलर टाइम लैप्स कैसा लगा। और गाइस, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में ऐसे वीडियो शेयर कीजिए, ताकि अपनी चैनल जो DP स्क्वाड है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी चैनल को आगे बढ़ाइए। लोगों को इंसिस्ट कीजिए कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ यार, एक थम्स अप तो बनता है इस टाइम लैप्स के लिए। ये देखिए, हम लोग अभी सिटी पैलेस के पास पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट वी आर नियर टू सिटी पैलेस। सिटी पैलेस देखने के लिए जा रहे हैं। इट्स बैठ लेते जाओ। नहीं बस, थैंक यू। यहाँ बस ऐसे सब साथ में गाइड्स आने के लिए पूछते रहते हैं, पर इनसे आप बचिए। पहले यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू सी दी। तो अभी हम लोग ने टिकट ले ली है सिटी पैलेस के, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू सिटी पैलेस। दिस इज सिटी पैलेस का एंट्रेंस है। दिस इज मेन पर्टिकुलर जो देखने लायक प्लेस है उदयपुर में। दिस इज द मेन प्लेस। तो अगर उदयपुर आते हैं तो दिस इज वर्थ विजिटिंग। इसको देखे बिना आप नहीं जा सकते उदयपुर से, ये मेरा मानना है। फिर तो लोगों का डिपेंड्स है, लोगों पे डिपेंड करता है, बिकॉज यहाँ चार्जेस बहुत ज़्यादा है। हर किसी के अलग अलग चार्ज है। अगर आपको पैलेस देखना है तो यू हैव टू पे 300, और बहुत सारे चार्जेस अलग अलग। इफ़ यू नीड टू कार कलेक्शन अगर आपको देखना है तो उसके चार्जेस अलग है। बोटिंग करना है तो उसके चार्जेस अलग है। इस तरफ से जाना है, इस तरफ से जाना है, डायरेक्ट अंदर ही जाना है। ओ थैंक यू, गलत रास्ते आ गए थे। ये देखिए, ये कुछ ऐसे अंदर सुवेनियर शॉप्स भी है, तो यू कैन विजिट द शॉप ऑल्सो। यहाँ काफ़ी सारी ऐसी शॉप भी है पैलेस के अंदर ही। रियली ब्यूटीफुल यार, वर्थ विजिटिंग है। यू शुड कम हियर एक बार, आप डेफिनेटली ये प्लेस को।
दिस इज द एंट्रेंस, यहाँ से अंदर जाने का है। और अंदर म्यूजियम म्यूजियम है, तो देखते हैं जो महाराणा प्रताप है, जो उदय सिंह जी के बेटे, उनके भी यहाँ वेपन्स और जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनके वेपन्स और वो सब यही हैं। ये देखिए, ये देखिए महाराणा प्रताप लिविंग फॉर हल्दीघाटी, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। ये सारी वेपन्स जो महाराणा प्रताप है उनके वेपन से ये लेके वो बैटल में लड़ने के लिए गए थे। ग्रेट पेंटिंग। You can see this Lake Pichola from the palace. This is what it looks from the third floor of the palace. हम लोग third floor पे हैं palace के। This is topmost floor of the palace and you can see the view उदयपुर क्या बढ़िया दिख रहा है यहाँ से। And guys trust me the palace is really really मतलब आप कह सकते हैं ना, मैंने आज तक ऐसा palace नहीं देखा है, सही में बहुत बढ़िया है। I mean the carvings, the detailing, the materials, everything is so beautifully managed, बहुत अच्छी तरह से जो तब के जो हमारे भाषा में बोलते हैं ना, जो कारीगर होते हैं, जो जो बंदे होते हैं जो इसने ये पैलेस बनाया है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बनाया है। और यहाँ से पूरी वाइट सिटी दिख रही है, ये देखिए कितनी बड़ी सिटी है, आप देखिए डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब जहाँ देखो वहाँ बस छोटे छोटे घर ही दिख रहे हैं। और दूर अपने को दिख रही है द अरावली माउंटेन रेंजेस,
दिस इज द अदर पार्ट ऑफ द पैलेस। यहाँ से दूर एक पहाड़ दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ आप जा सकते हैं रोप वे से। दूर पहाड़ दिख रहा है, इस तरफ उदयपुर सिटी दिख रही है। दिस द अदर पार्ट ऑफ द पैलेस। वहाँ से आप जो नीचे ये दिख रहा है, दिस इज़ रेस्टोरेंट एरिया। ये जो पर्टिकुलर है, दिस इज़ रेस्टोरेंट। और यहाँ से जो ये आपको गेट दिख रहा है, ये यहाँ से आप जा सकते हैं लेक साइड, और जो होटल है लेक साइड वहाँ जा सकते हैं। तो विल गो राइट नाउ देयर ऑल्सो, आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। पर अभी आप देखिए ये यहाँ से लोकेशन, बस ऐसा लगता है यहीं बैठा रहूँ शाम तक। शाम तक क्या, पूरे दिन भर यहीं बैठा रहूँ ऐसा ही लगता है यार। बहुत सुकून वाली जगह है ये। देखिए पैलेस के बैक साइड से हमको दिख रहा है लेक पैलेस, ताज लेक पैलेस, और उस तरफ है जग मंदिर। क्या मस्त होटल है, आई मीन बीच में ही, तालाब के बीचों बीच ये होटल बनी हुई है। ये भी एक पैलेस का ही पार्ट है, पर अभी जो यहाँ के महाराजा है उन्होंने ये लीज पे दी हुई है ताज को। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी बढ़िया लग रही है होटल। बहुत बढ़िया लग रहा है, और पीछे पहाड़ी पहाड़, और ऊपर सूरज देवता। सबका कॉम्बिनेशन मिला के ऑल ओवर बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखिए जो यहाँ के प्रेजेंट ओनर है, ये जो यहाँ के महाराजा, ये जिसका पैलेस है, जो ये इनकी 24th जनरेशन है। तो 24th जनरेशन जो अभी है फ़िलहाल, वो यहाँ रहती है। ये इनका पैलेस है, यहाँ अंदर तो एंट्री नहीं है, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पर यू कैन सी दी एंट्रेंस, क्या ठाट होंगे यार इनके, समझ लो। अब देख सकते हैं ये सब उनका ही रेसिडेंस है ये पूरा। ये देखिए यहाँ रहते हैं वो फिलहाल अभी। तो क्या इमेजिन यार कैसी लाइफ होगी इनकी।
ये प्रॉपर हम लोग पैलेस जो है सिटी पैलेस उसके बिल्कुल पीछे आ गए हैं, आई मीन बिल्कुल नीचे। ये बिल्कुल लेक से सटे पैलेस है, लेक साइड पैलेस है पूरा ये। तो हम लोग बस यहाँ पहुँच गए, दिस इज ताज, यहाँ से आपको ताज दिख रही है, ये रही ताज, दैट इज ऑल्सो ताज, दैट इज ताज लेक पैलेस। ये भी ताज की है, ये वाली जो है ये भी ताज ही है। तो सामने जो आपको दिख रहा है ये लीला पैलेस है, दिस इज लीला पैलेस। तो यहाँ से आपको ये सब सारी होटल्स और वो सब का नज़ारा यहाँ से दिख जाता है, और यहाँ से व्यू देखिए आप। अगर आपको होटल में जाना हो तो आपको बोट में ही जाना होगा, मतलब यहाँ से आप समझो यार क्या बढ़िया नज़ारा मिल रहा है। ये देखिए, ये भी सब होटल का पार्ट है, ये सब लीज पे दे रखा है।